आज गांधी जी की जन्म जयंती पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम संकल्प लेते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के राजनीतिक इतिहास में गांधी जी के विचारों को जमीन पर प्रतिपादित करने का काम व्यवहारिक तौर पर किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कल 1 अक्टूबर को हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर देश के अंदर 1 घंटे स्वच्छता ही सेवा के संकल्प के साथ 1 घंटे श्रमदान करके गांधी जी के विचारों पर माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश के जनमानस ने जो समर्थन स्वच्छता के अभियान को दिया और आज पूरा देश, पूरा भारत गांधी जी के उस सपने को जो उन्होंने स्वच्छता का संकल्प लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आज वो साकार होकर के पूरे भारत के अंदर आज स्वच्छ भारत बनकर के दुनिया के अंदर एक आदर्श भारत खड़ा है। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दूसरा हमें आह्वान किया है कि आज गांधी जयंती के अवसर पर हम सब कार्यकर्ता, आम जनमानस गांधी जी के स्वदेशी के आह्वान को, स्वदेशी के आंदोलन को, खादी के वस्त्रों का माननीय गांधी जी ने आह्वान किया था, तो आज हम सब कार्यकर्ता, सभी जनमानस गांधी जी के उस विचार को जमीन पर प्रतिपादित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर दुकानों पर जाकर के खादी ग्रामोद्योग के वस्त्रों को खरीद कर खादी के आंदोलन को भी हम ताकत देने का काम करेंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लगेंगे। मैं सबको बहुत आज बधाई शुभकामना देता हूं। आज लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी एक आइडियल प्रधानमंत्री के तौर पर उनका जो जीवन था, एक ऐसा जीवन कि जो सादगी भरा जीवन कैसे हो सकता है किसी प्रधानमंत्री का, तो एक आइडियल तौर पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी इस देश को, उनका जो नेतृत्व मिला, आज मैं उनके जन्म जयंती के अवसर पर भी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामना देता हूं। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।